नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री, वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले उपस्थित होने से पहले एक बार कमेंट्स में जय माता दी अवश्य कहें, उसके बाद में अपन ज्ञान गंगा की, वास्तु की ज्ञान गंगा है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आज का जो विषय रहेगा उस विषय में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही कारगर टॉपिक है और हर व्यक्ति उस विषय पर अपना इंटरेस्ट शो करता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आज का जो विषय है वो बहुत ही स्पेशल विषय है। विषय नाम कैसे होता है? यस, आपकी कीर्ति, आपका चारों तरफ का जो वातावरण बनता है, आपका जो ओजस्व बनता है, उसके रिगार्डिंग वास्तु उसको कहां तक प्रभावित करती है वो अपना विषय रहेगा। उस विषय के तहत हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कौन सी दिशा दूषित होने की वजह से आपके नाम, यश, कीर्ति, मान सम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है या इनमें कमी आती है, या दिशा विशेष पर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो आपका नाम, यश, कीर्ति, मान सम्मान, आपका ओहदा, आपका वर्चस्व, आपका समाज में की जो वैल्यू, सामाजिक वैल्यू है, पॉलिटिकली वैल्यू है, सोशली वैल्यू है या अदर वैल्यूज, उस वैल्यूज में किस प्रकार से बढ़ावा मिलता है उस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक बार फिर कह देता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु सॉल्यूशन इंडिया को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप और हम मिल करके इस वास्तु की ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाते रहें। जब आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, हो सके उनको ये कहीं न कहीं काम आए। इसी मानसिकता के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जय माता दी कहें और आज की चर्चा को अपन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम, जिस प्रकार आप काम करते हैं उसी प्रकार का आपका नाम होगा। कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है तो उसका राजनीति में नाम होगा, कोई व्यक्ति अगर औद्योगिक इकाई में काम कर रहा है तो वो मतलब एक उद्योगपति के रूप में अपना नाम कमाएगा, कोई व्यक्ति अगर सेवा के रूप में काम कर रहा है तो सेवादारी के रूप में नाम कमाएगा। नाम हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो और मेरा नाम ही मेरी पहचान हो, तो इसके लिए वास्तु का प्रभाव बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है नाम के पीछे। जिस जगह पे आप रह रहे हैं या जहां आप वर्क कर रहे हैं या जहां आपका ज्यादा मतलब चाल चलन है, उठक बैठक है, जिस जगह को आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिस इकाई में आप ज्यादा रह रहे हैं, उस इकाई की वास्तु का प्रभाव आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम कम है तो ये तय है कि वो व्यक्ति जहां रह रहा है उसकी पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन 100% दूषित मिलेगा, इसमें नो डाउट। और किसी व्यक्ति का कम काम करने से ज्यादा नाम हो रहा है तो उसकी पूर्व दिशा अच्छी मिलेगी, वहां पर वास्तु दोष नहीं मिलेगी। तो अपना नाम कमाना है, अपना यश और मान कीर्तिमान सम्मान बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे पहले ये मैं बता दूं कि किसी भी दिशा को छोड़ करके संपूर्ण इकाई को वास्तु दूषित, वास्तु दोष मुक्त रखें, वास्तु दूषित नहीं होने दें। उसके बाद में खास करके पूर्व दिशा पर ध्यान दें। अगर पूर्व दिशा में वास्तु दोष हो गए तो नाम कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ साथ बहुत बार इकाई का, व्यक्तिगत इकाई का दोष लग जाता है, जैसे वायव्य का दोष लग गया पूर्व के साथ तो आपका नाम किसी भी प्रकार से खराब हो सकता है या समाज में किसी भी प्रकार के नाम में अपयश लगने की संभावना रहती है। ठीक इसी प्रकार अग्निकोण में अगर किसी प्रकार का दोष हो गया पूर्व दिशा के साथ, वो एडिशनल दोष है, तो वहां पर किसी न किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी होके आपका नाम खराब हो जाएगा। किसी न किसी प्रकार के नाम में कमी एडिशनल दोष लाता है, पूर्व दिशा तो लाती ही लाती है। पूर्व दिशा के दोष निवारण कीजिए, आपका मान होगा, आपका सम्मान होगा, आपकी कीर्ति यश बढ़ेगा, तय है। जय माता दी,